स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं और इसके अलावा उन्हीं स्ट्रक्चर्स की बेस पे न्यूट्रिशन वो अपनी उनकी फूड किस तरह से डिफरेंट करती है ग्लैंड uh, का देखेंगे एग्जोर एंडो दोनों का यहाँ पे हम बात करेंगे टीथ की है रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ द डाइट डाइट पे डिपेंड करता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं उनमें डिफरेंट टीथ uh, uh, की कंपोजिशन डिफरेंट होगी बेसिकली हम टीथ में चार बात करते हैं एक तो उसमें टाइप्स आ जाती हैं इन कैनाइंस प्री मोलर्स एंड मोलर्स ठीक है ये चार टाइप्स आ जाती हैं ये वेरी करती है न्यूट्रिशन पे जो एनिमल्स होते हैं उनकी न्यूट्रिशन पे जैसे उनकी न्यूट्रिशन होगी उसके हिसाब से उनमें जो है वो टीथ की कॉम्पोजिशन मौजूद होगी Uh, मेरी आवाज कट रही है uh, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को मैम बिल्कुल क्लियर आ रही है तो महीन को क्यों कट के आ रही है और uh, ठीक है इन का uh, मैं रिपीट कर देती हूँ uh, जब मैं पूछती तब आपने कोई रिस्पांस ही नहीं दिया तो मैंने फिर आगे नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया क्या रिपीट कर देती हूँ अब ये पढ़ लें वर्टिब्रेट्स उनमें जो है वर्टिब्रेट्स में मोस्टली टिथ मौजूद होते हैं एज कम्पेयर टू बर्ड्स के बर्ड्स में टिथ की जो कमी इसलिए होती है ताकि वो अपनी बॉडी का वेट है वो उसको रिड्यूस कर सकें और इसी वेट रिड्यूसिंग की वजह से uh, उनको फ्लाइट में फ्लाइंग करने में हेल्प मिलती है वर्टी में मोस्टली जो मौजूद होते हैं टीथ आर स्पेशलाइज्ड डिपेंडिंग ऑन वेदर एनिमल्स फीड के किस तरह की जो डाइट होती है जो एनिमल्स फीड करते हैं हरबी वोर्ड्स उनको कहते हैं जो प्लांट्स पे फीड करेंगे और कार्वोर्ड जो एनिमल पे और ओमनी उनमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ जाएंगे

हेल्प कर सके फूड को ग्राइंडिंग में हेल्प कर सके और जो के माउथ uh, और इस से से तक uh, तक पहुंच सके स्मॉल स्मॉल और से फिर लार्ज में इसके बाद हम यहाँ पे हरबी uh, वोर्स में डियर की बात करते हैं तो उसमें टीथ जो होते हैं वो मोस्टली ग्राइंडिंग के लिए होते हैं और कार् में जो, जो है वो केनाइन टीथ जो है वो ज्यादा शार्प होते हैं जिनकी वजह से उनको सीजिंग uh, में आसानी uh, होती है करने में ठीक है इसके अलावा uh, यहाँ पे एलिफेंट की बात करते हैं हैज टू ऑफ इट्स अपर फ्रंट टीथ ठीक है इनमें फ्रंट टीथ होते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए और एज ए वेपन ठीक है प्रोटेक्शन का और इसके अलावा ह्यूमंस है पिग्स हैं रैकोन्स हैं और अदर मैमल्स हैं जिनकी हम बात करते हैं ओमनी हैं है ये ठीक है प्लांट्स और एनिमल दोनों पे फीड करते हैं हम और इनमें टीथ uh, के काफी फंक्शंस होते हैं जिसमें टेरिंग uh, भी आ जाती है ग्राइंडिंग uh, भी आ जाती है सिसलिंग भी आ जाती है राइपिंग भी आ जाती है टीथ का मेन मकसद ये होता है जैसे हम फूड को इंजस्ट करते हैं तो इन्जस्ट करके हम उसको डायरेक्ट इंगल्फ नहीं कर सकते ठीक है अगर हम उसको डायरेक्ट इंगल्फ करेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल पैदा करेगी जिसकी वजह से हम फूड को जो इंजस्ट करते हैं उसको ग्राइंड करते हैं उसको टेयर करके बारीक पीसीस में कन्वर्ट करके फिर उसको जो है इनगल्फ करते हैं और टिथ जो है बेसिकली ये इन फंक्शन में परफॉर्म होते हैं ताकि इन लार्ज पीसिस को स्मॉल में डिवाइड करके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट से गुजारा जा सके डाइजेशन जो है वो कम्प्लीट की जा सके इसके बाद हम स्लाइवरी ग्लैंड्स का देखेंगे स्लाइवरी ग्लैंड्स का ये फंक्शन है कि वो एज ए एक्सोक्राइन जो है वो ग्लैंड्स भी काम करते हैं आ, Uh, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं एनी वन आवाज आ रही है मेरी एक्सोक्राइन ग्लैंड में और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है स्वेट स्लेवरी मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं ये एग्जोक्राइन में आ जाते हैं नहीं आ तो जाते हैं लेकिन इनका बेसिकली <स्थाँग> फंक्शन क्या होता है मेमोरी जो एग्जोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये डक्ट डक्ट डक्टेड ग्लैंड होते हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जी इन दोनों में ये जी ऐसे जी मैं ऐसे ग्लैंड अपने केमिकल सिक्रीशन को ब्लड स्ट्रीम और टिश्यू के अंदर सिक्रीट करें वो एंडोक्राइन होते हैं और एक्सोक्राइन जो केमिकल सब्सटांसिस को अपने डक्ट के अंदर या फिर आउटसाइड द बॉडी टिश्यूज इधर सिक्रीट करें उसको एक्सोक्राइन कहते हैं जी दोनों में मेन यही डिफरेंस है ठीक है डायरेक्ट सिक्रीशन होगी एंडो में और एक्सो में दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं इसके अलावा सराविक्लैंड का मेन मकसद ये होता है कि सिक्रीशंस करना और ये जो सिक्रिशंस होते हैं ये फूड को लुब्रिकेट करती हैं जो कि उसका मीडियम uh, होता है डाइजेस्टिव uh, सिस्टम uh, के पार्ट्स का ठीक है फॉर एग्जांपल हम स्टोमिक की बात करते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो उसमें जो एसिडिक और बेसिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम क्रिएट किए जाते हैं वो इन्हीं सिक्रीशंस की वजह से होते हैं uh, ये जो स्लाइवरी ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं इन्होंने सिक्रीशंस करवानी होती हैं जो कि एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम क्रिएट करते हैं ठीक है फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं मोस्ट फिशेस जो होती हैं उनमें स्लाइवरी ग्लैंड मौजूद नहीं होते हाइड्रोजन में फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम लैम्परे हैं इनमें एक्सेप्शन भी मौजूद है इनमें ग्लैंड uh, का एक प्यर मौजूद होता है वो सिक्रीट क्या करता है एंटी uh, कागलैंड को और एंटी कागलैंड ऐसा होता है जो कि कागलेशन uh, के बिल्कुल अपोजिट uh, काम करते हैं जो कागलैंडस होते हैं वो कागलेशन करवाएँगे uh, लेकिन जो एंटी कागलैंड सिक्रीशन होती है वो लैम्परे में जो ग्लैंड मौजूद होते हैं उनके थ्रू होती है ठीक है और इनका मेन मकसद क्या होता है कि जो प्रे ब्लड होता है, है उस पर फीड करना मोडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ सम स्नेक्स में भी स्लाइवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं जो कि विनोम प्रोड्यूस करते हैं और इसी विनोम के थ्रू ये कोई प्रे होता है तो उसमें इंजेक्ट करके उसी विनोम के थ्रू उसको प्रे को पैरालाइज कर देते हैं

इसमें हमने जो इनकी टंग की बेस पे इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन की है इसमें हमारे पास ए में जब हम देखते हैं तो हमारे पास है लैम्प्रे ठीक है ये हमारे पास लैम्प्रे है और लैम्प्रे की ये टंग दिखाई गई है कि किस तरह से ये एज ए रेस्पिंग जो है वो यूज होती है किसी भी प्रे को कैप्चर करने के लिए बी पे हमारे पास फिश है और ये फिश की टंग दिखाई गई है कि ये किस तरह से प्रे को कैप्चर करती है और दूसरी में हमारे पास <coughs> सी ये जो हमारे पास इसमें ये इंसेक्ट है इंसेक्ट में दिखाया कि इंसेक्ट की जो टंग है वो किस तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है इनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से ये प्रे को अपने को कैप्चर करते हैं और डी में हम देखते हैं कि बर्ड है जिसे वुड पैकर कहते हैं और ये किस तरह से इंसेक्ट्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है जो ट्री की बार्क होती है उसमें से अपनी जो बीक कहले उसको बार बार ट्री की बार्क में एंटर करके किस तरह से वहाँ से ये इंसेक्ट को इकट्ठा करता है अपनी फूड के लिए ठीक है और ये जो प्रोसेस ये करेगा ये अपनी टंग के थ्रू करेगा हर जो वर्टिब्रेट्स और इन वर्टिब्रेट्स उन में उनमें टंग जो है वो डिफरेंट होगी किसी में लार्ज होगी किसी में स्मॉल होगी सेम इसी तरह से जो इनकी टिथ की कंपोजिशन है किसी में टिथ मौजूद होंगे किसी में टिथ मौजूद नहीं होंगे और टिथ की कंपोजिशन में फिर आगे जो उनके पार्ट्स हैं इंसाइजर केनाइंस फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कार्निवोर्स की जो उसमें केनाइंस होते हैं वो ज़्यादा शार्प होते हैं और लार्ज uh, होते हैं एज कम्पेयर टू इंसाइजर्स के जब हम हरबी बोर्ड की बात करते हैं तो हरबी बोर्ड में जो कैनाइन है वो मौजूद नहीं होते और ओमनी बोर्ड में कैनाइन मौजूद होते हैं सबसे पहले हम टिथ के स्ट्रक्चर में जब देखते हैं तो जो हम इन फ्रंट ऑफ द माउथ जो टिथ मौजूद होते हैं उनको हम इंसाइजर्स कहते हैं और उसकी जो बिल्कुल राइट right और लेफ्ट पे जिसे हम मौजूद होते हैं वो कैनाइन कहलाएंगे और कैनाइन के बाद आएगा मोलर्स प्री मोलर्स और प्री मोलर्स के सबसे लास्ट में जिसे हम दाढ़ भी कहते हैं उसे हम मोलर्स कहते हैं मोस्टली मोलर्स का ये फंक्शन होता है कि वो जो फूड है उसको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं जो फ्रंट टीथ होते हैं इनसाइज इनसाइजर कह लें या केनाइन तो वो ज़्यादा इतना नहीं होते कि फूड को जो है वो ग्राइंड कर सकें ये टिथ की कम्पोजिशन दिखाई गई है इन द वैरायटी ऑफ मैमल्स ठीक है बात करते हैं तो उनमें ये हरबी वोर्सि और omnivores. उनकी बिना पे ये आपको नजर आ रहे हैं इन हैं ठीक है ये हमारे पास जो है ये अनाइंस है और ये कॉर्निव वो में जो है वो कैंस एज कम्पेयर टू इन के लॉन्ग होते हैं और ये नोकीले भी होते हैं शार्प और उसके बाद ये मोलर्स हैं हमारे पास और सेम ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं तो इन फ्रंट ऑफ इंसाइजर्स उनके साथ जो है वो केनाइंस और फिर इसके बाद आ जाते हैं प्री मोलर्स और एट द एंड जो है वो मोलर्स आ जाते हैं जिसको हम दाढ़ भी कहते हैं और ये हॉर्स की बात की गई है कि किस तरह से इन्हीं टिथ की बिना पे इनकी जो प्रे है इनकी फूड की कंपोजिशन है फूड किस पे ये डिपेंड करते हैं वो डिफरेंट होती है अ uh, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो uh, पूछ ले आप के बाद हम ईसोफिगस की बात करेंगे ठीक है जब माउथ और फेरेंस की बात हो जाती है फिर ईसोफिगस की बात आती है इसोफिगस में हमने यह देखना है कि किस तरह से, कि से माउथ से एंटर होके फिर उसके बाद से गुजर के वो स्टॉमिक में पहुंचती है ठीक है ईसोफिगस जो है इज शॉर्ट इन फिशीज एंड एम्फीबियंस जब हम फिश और एम्फीबियंस की बात करते हैं तो उनमें तो की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू एम्नियोट्स। एम्नियोट्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ऐसे वर्टिब्रेट्स को कहते हैं जिसमें थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर्स मौजूद होती हैं और इन्हीं एम्ब्रियोनिक लेयर्स की बिना पे हम इन्हें एम्नियोट्स कहेंगे एमनियॉट्स में हमारे पास आ जाएंगे रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स ठीक है इनकी जो नेक होगी एज़ कम्पेयर टू एन एमनीोरस में हम फिश और एम्फीबियंस को लेते हैं एन एमनीोर से जो है इनकी नेक लॉन्गर होगी और जब ग्रेन और सीड ईटिंग बर्ड्स की बात करते हैं तो उनमें एक क्रॉप स्ट्रक्चर मौजूद होता है जैसे आपको ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास ईसोफिगस है और ईसोफिगस का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो एक्सटेंड हो जाता है एक्सपेंड होके एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम कहेंगे ईसोफिगस उससे कहेंगे सॉरी क्रॉप क्रॉप का मेन मकसद ये होता है कि जो फूड की स्टोरेज होती है उसको करना ठीक है फूड यहाँ पे जो इनगल्फ की जाएगी इनजस्ट की जाएगी वो यहाँ पे स्टोर होगी बर्ड्स एवरी टाइम जो है वो फीडिंग नहीं करते ये इसी स्टोर फूड को यूटिलाइज करते हैं जब इनको बॉडी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ठीक है और इसी स्टोरेज की वजह से फीड की इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो हाई होता है सेम लाइक मैमल्स ठीक है इसमें ये देखें कि जो इसोफिगस जो डेवलप किया गया है वो कॉडल पोर्शन से किया गया है कॉडल पोर्शन कहते हैं जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है बैक पोर्शन होता है इसोफिगस का कॉर्डल पोर्शन उससे कहते हैं वहां से ये इनलार्ज करके जो स्ट्रक्चर बनाया गया इसका लेकिन मेन मकसद आपने ये याद रखना है कि जो क्रॉप का होता है वो स्टोरेज होता है फूड की स्टोरेज करना जिसको के इन एमरजेंसी जब बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है तो उसको यूटिलाइज किया जा सके <coughs> ये time, इसमें ये नेक्स्ट इसमें गीजर्ड और पेंक्रियाज नेक्स्ट आएंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे ये सेम ओवरऑल ह्यूमंस में बर्ड्स में इनवर्टिब्रेट्स में इसमें ये होता है कि फूड माउथ के थ्रू एंटर होके उसकी ग्राइंडिंग करके जैसे टिथ की हमने बात की उसके बाद उसने से गुजर के क्रॉप से स्टौमिक और स्टौमिक से फिर उसने गिजर्ड और गिजर्ड से स्मॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन से रेक्टम और रेक्टम से फिर ये बाहर क्लोइका के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होगा वो रिलीज हो जाएगा और जो रेक्टम होगा वो लार्ज पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पार्ट है ठीक है Uh, जब लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सीकम है कॉलन है और रेक्टम है स्टोमिक uh, इसमें क्या स्टोमिक क्या है होल्डिंग स्टेशंस ठीक है इसमें जो है वो फूड uh, कुछ टाइम के लिए होल्ड की जाती है इज एन इन इंसेस्ट्रल वर्टिब्रेड स्ट्रक्चर ठीक है ये वर्टिब्रेड स्ट्रक्चर जो इंसेस्टर जो होते हैं हमारे अबाव अजदाद हैं उनसे ये इवॉल्व uh, किया गया दैट इवॉल्व एज

जो uh, के थ्रू ही गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं जैसे ही फूड की एंट्री सो से स्टोमिक में होती है और इसी एंट्री की वजह से जो स्टॉमिक की वॉल है वो सिक्रीशंस करते हैं जिससे एज ए गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीशंस करेंगे जो कि जिसे हम गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं इसमें हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड है जो कि प्रोडक्शन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा इनवॉल्व इन द किलिंग इसका मकसद होगा कि बैक्टीरिया को किल किया जाए और फूड को जो है वो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिजर्व किया जाए द एंजाइम पेप्सिनोजिन में हैव इवॉल्व लेटर जो पेप्सिनोजिन एंजाइम की बात करते हैं पेप्सिन जो प्रोड्यूस होते हैं एज एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव से तो ये इसे जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी मौजूदगी में एंजाइम है उसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है ठीक है और लेकिन इससे पहले जो है वो पेप्सिनोजिन इवॉल्व नहीं की गई थी ये बाद में इवॉल्व की गई है स्टोमिक नॉट असेंशियल फॉर डाइजेशन डाइजेशन सिर्फ स्टॉमिक के लिए असेंशियल नहीं है डाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की भी बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्बशन की भी हम बात करते हैं कुछ पार्ट होता है बॉडी का जो के इन्जस्ट किया जाता है uh, आपका नेटवर्क का इशू आ रहा है तो आप हम ना दोबारा से करके देखें कनेक्ट <coughs> Uh, इसमें स्टॉमिक की डाइजेशन uh, की ये सिर्फ स्टॉमिक में ही कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होती उसमें कुछ पार्ट जो है वो फूड का डाइजेस्ट होता है और uh, जो मेनली पार्ट है वो ज़्यादातर uh, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेस्ट होता है ठीक है uh, जी शाह <coughs> <coughs> जी सबा Uh, सबा किया था आपने ओके okay. uh, आवाज नहीं आ रही तो आप uh, रिकनेक्ट करके देखें या सब स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है तो आपको क्यों नहीं आ रही <coughs> मैम मुझे ये पूछना था कि ये जब हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा तो तभी पेप्सिनोजेन एक्टिव होगा मतलब जी, हाइड्र, जी, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा तो इसमें से जो हाइड्रोजन है उसकी मौजूदगी में जो पेप्सिनोजिन है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है और वो पेप्सिन में कन्वर्ट होगी ओके मैम नेक्स्ट हम गीजर्ड की बात करते हैं इसमें गीजर का जो काम होता है वो मैकेनिकली ग्राइंडिंग करना होता है ठीक है और इसमें हम फिशिज हैं सम फिशेज हैं सारी फिशिज नहीं है रेप्टल्स हैं कुछ जैसा कि क्रोकोडाइलियंस हैं और इसके अलावा बर्ड्स हैं उनमें जो है वो गीजर्स मौजूद होते हैं बर्ड्स जितने भी हैं सब में गीजड़ मौजूद होते हैं और गीजड़ का काम क्या होता है कि जो फूड होती है उसकी ग्राइंडिंग करना बर्ड्स गीजर डिवेलप फ्राम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टोमिक ठीक है जो स्टोमिक का पोस्टीरियर पार्ट होता है उससे गिजर uh, डेवलप किया जाता है और उसको क्या कहते हैं वेंट्रिकुलस <coughs> ये हमारे पास स्टॉमिक है ठीक है स्टॉमिक का जो पोस्टीरियर पार्ट या जो कॉडल पार्ट होगा ये डेवलप होगा गिजर में ठीक है जिसे के हम वेंट्रिकुलस भी भी कहेंगे आगे आएंगी तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी उसके अलावा पेबल्स होंगी गीजर ठीक है वो करने के बाद में कुछ टाइम के लिए रिटेन की जाएंगी ये रिटेन इसलिए की जाएंगी ताकि वहां पे उनकी जो ग्राइंडिंग है वो प्रॉपरली ग्राइंडिंग हो सके क्या और इसी ग्राइंडिंग के बाद जो फूड होगी वो स्मॉल पीसी में कन्वर्ट करके ताकि उसको इजली डाइजेस्ट किया जा सके <coughs> इसके बाद हम रूमेंस की बात करते हैं रूमेंस में आ, इसका बेसिकली कि ईट नाउ एंड डाइजेस्ट लेटर कि सबसे पहले रोमिनेंट मैमल्स वो होते हैं जो कि फूड को इनगल्फ तो कर लेते हैं लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं करते उसको इनगल्फ करने के बाद अपनी बॉडी में स्टोर रखते हैं और जब उनको जरूरत होती है तो उसको डाइजेस्ट करते हैं ताकि डाइजेशन के प्रोसेस उसको गुजारते हैं जैसे आपने अक्सर देखा होगा जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं ठीक है वो अक्सर खाना तो खा लेते हैं लेकिन फौरी जुगाली नहीं करते वो कुछ टाइम के बाद जो है वो फूड को जो है वो जुगाली करना शुरू कर देते हैं ठीक है और इन्हीं जो जुगाली करने वाले हम मेमल्स एनिमल्स की बात कर रहे हैं उनको ही रोमन्स कहते हैं ठीक है रोमेनेट मेमल्स में हमारे पास ये क्या है अम्म शीप <coughs>

Uh, उसको जो है वो च्यू नहीं करते और जब इन कंफर्टेबल होते हैं लोकेशन जो होती है इनकी सेफ होती है तब ही उसको uh, डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं सॉरी बच्चों इसके बाद है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके में जैसे वो रोमन होते हैं उनके चार पार्ट्स होंगे जो हम आगे नेक्स्ट देखेंगे उसी पार्ट में जो रोमन पार्ट होता है इनके स्टॉमिक वहां पे ये फूड को कुछ टाइम के लिए स्टोर करते हैं वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये काम होता है कि जो फूड होती है उसमें से जो आ, 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 हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको डाइजेस्ट किया जा सके उनको डिस्ट्रॉय uh, किया जा सके ठीक है इसके अलावा इन्होंने जो सेलुलोज जो होती है उसको डायजेस्ट uh, करवाना होता है और माइक्रो ऑर्गेजम वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेलोलेस एंजाइम्स मौजूद होता है और इसी सेलोलर्स एनजाम्स की वजह से ये सेलूलोस को डायजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं और इसी सेलूलोस को डायजेस्ट करने से की वजह से इनमें जो अनर्जी की अमाउंट होती है वो ज़्यादा हो जाती है सेम uh, जिस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेलुलेज इन्जाइम्स प्रोड्यूस करते हैं सेम इसी तरह से जो हर्बी वोरस है वो भी सेल्युलेज इन्जाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेलुलोज uh, को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं आप जानते हैं कि सेलुलोज जो है वो हमारे पास पोलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है और इसमें जो एनर्जी की अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओलीगोर मोनो की ठीक है ये आ, एनर्जी हासिल करने के लिए ये ये को डाइजेस्ट करते हैं ये हमारे पास रोमिनेंट एनिमल दिखाए गए हैं ठीक है इनका जो चैम्बर्ड है जो इनका स्टोमिक होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है बाकी हम जितने भी एग, आ, बात करते हैं एनिमल्स की फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स में जब हम देखते हैं तो उनमें फोर चैम्बर्ड जो है वो स्टोमिक नहीं होता हर्ट की बात करते हैं तो वो फोर चैम्बर्ड होता है थ्री चैम्बर्ड होता है थ्रू टू चैम्बर्ड होता है ठीक है लेकिन रूमिनेंट मैमल्स बाहिर वो मैमल्स हैं जिनमें जो स्टोमिक होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है फोर चैम्बर्ड में हमारे पास जो नेम आते हैं फर्स्ट में हमारे पास रूमन आता है ठीक है और सेकेंड में हमारे पास रेटिक्यूलम आता है और थर्ड में हमारे पास एंटी चेंबर आता है और फोर्थ में हमारे पास एबायोम एसम आता है ठीक है जिसे के ट्रू स्टॉमिक कहते हैं ये चारों स्टॉमिक के पार्ट हैं <coughs> ये चारों स्टॉमिक के पार्ट हैं ये यहाँ से फूड जो है वो माउथ के थ्रू एंटर होके ग्राइंड होके उसके बाद इसोफिगस से गुजरेगी और इसोफिगस के बाद रूमेन जो बॉडी का लार्ज पार्ट है यहां पे ये स्टोर हो जाएगी स्टोर होने के बाद जब बॉडी में रिक्वायरमेंट चाहिए होगी एनर्जी चाहिए होगी <coughs> जब फूड की डाइजेशन करवानी होगी तो इसी फूड को रोमन से जो है वो रेटिकुलम में पास किया जाएगा ठीक है रेटिकुलम से फिर एंटी चैम्बर है इसमें पास किया जाएगा और फिर इसके बाद लास्ट में जो है वो ट्रूस्टोमिक में एबोमैसम में पास किया जाएगा ताकि जो जितनी भी इसमें फूड की डाइजेशन होगी वो थ्री स्टेप से इन फोर स्टेप से गुजर के जब ट्रू स्टॉमिक में पहुंचेगी तो वो डाइजेशन हो जाएगी और बाकी की जो कंप्लीट डाइजेशन है वो ट्रू स्टॉमिक में होगी <coughs> ठीक है और यहाँ पे जो अभी मैसेम हम ट्रू स्टॉमिक की बात कर रहे हैं ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करवाएगा और ये डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेज होंगे जो कि बॉडी की बाकी की जो डाइजेशन फूड की रह जाएगी वो कम्प्लीट करवाएंगे यहाँ पे फूड स्टोर होगी जब ज़रूरत होगी तो इसी फूड को वापस माउथ में इनगल्फ करके उसको च्यू किया जाएगा जैसे कि जो जो गाली वाले एनिमल्स होते हैं वो करते हैं और इसी स्टॉमिक से ट्रू स्टॉमिक से गुजरने के बाद फूड जो है वो स्मॉल इंटस्टाइन में जाएगी स्मॉल इंडस्टाइन में जो बाकी की डाइजेशन है जो रह जाएगी जो स्टॉमिक uh, जो है उसमें नहीं होगी uh, वो डाइजेशन है स्मॉल इंटस्टाइन में होगी जब हम प्रोटीन्स की लिपिड्स की कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है वो मोस्टली माउथ में औरल कैविटी में होती है ठीक है जब स्टोमिक की हम बात करते हैं तो उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की और कुछ प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है ठीक है लिपिड्स की डाइजेशन ना तो माउथ में होगी और ना ही स्टोमिक में होगी और जितने भी फूड में लिपिड्स मौजूद होंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड्स की डाइजेशन होगी लिपिड्स की डाइजेशन जो है और प्रोटीन जो बाकी बच जाएंगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होंगी और इसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन होगी जितनी भी फूड की एब्जॉपशन है जो यूजफुल मटेरियल होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एबज़ॉर्ब कर लिया जाता है इसमें ये जो ओवरऑल यहाँ पे बाकी का पोर्शन है इसमें ये चार पार्ट्स ही दिखाए गए हैं जिसकी मैंने आपको भी डायग्राम में सारी क्लियर कर दी है इसके बाद आ, आ, कुछ नॉन रोमिनेंट हर्बी की बात की गई कि हर्बीवोर्स वोर्स में उनमें हम नाम लेते हैं का ठीक है उसमें जो सीकम होती है वो एक्सटेंसिव होती है मीन इन लार्ज होती है सीकम जो है वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और इसका बेसिकली मेन फंक्शंस क्या होते हैं सीकम कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमें पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं

स्टोमिक के थ्रू और स्टोमिक से फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये हमारे पास एक्पेंडिक्स uh, जिसे कि हम लार्ज uh, इंटेस्टाइन का एक्सटेंडेड पोर्शन भी कहते हैं ठीक है और इसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड ट्रांसफ़र uh, होती है uh, यहाँ पे फिर जितनी भी डाइजेशन होगी लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम पार्ट है ये माइक्रो ऑर्गेजम को प्रोड्यूस करेगा जो कि जो सेलुलेस की डाइजेशन है वो लार्ज इंटेस्टाइन करवाएगा ठीक है और इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव किया जाएगा और रैबिट्स और इसके रैबिट्स और माइस दो ऐसे ऑर्गेनिज्म दो ऐसे आप एनिमल्स कह रहे हैं हर्बी जो कि नॉन रोमिनेंट हर्बीवोर होते हैं ये अपने फीसिस को ख़ुद से भी खाने की एबिलिटी रखते हैं ये फीसिस को खाते हैं इसलिए है, है कि ताकि इनको जो रिमेनिंग मटेरियल होता है जिसमें कि वाइटामस की बात की गई है उसको भी ये डाइजेस्ट कर सकें ठीक है उसको ज़ाया मत करें और इस प्रोसेस को हम प्रोफेजी कहते हैं ठीक है और इसमें कि ये अपने ही जो वेस्ट मटेरियल है उसको खाने की एबिलिटी रखते हैं ये मैंने ओवरऑल बताया कि जो आ, सीका जो है जो कि ब्लाइंड पाउचेस बनाता है लार्ज इंटेस्टाइन के और इनमें बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो कि रोमिनेंट्स होते हैं उनकी फूड की डाइजेशन में इसके अलावा नॉन रोमिनेंट्स उनकी फूड की डाइजेशन करवाते हैं लीवर की बात करते हैं लीवर और गाल ब्लैडर्स इसमें असेसरी ऑर्गन्स Uh, मौजूद होते हैं और इन दो uh, लीवर में uh, का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि उसने बाइल प्रोड्यूस करनी होती है और वही बाइल जो होती है वो स्टोर हो जाती है गाल ब्लडर में और गाल ब्लडर में स्टोर होने की वजह से बाइल कंटेन करेगा बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट्स दोनों मौजूद होंगे बाइल साल्ट का जो मेन रोल होगा वो डाइजेशन करवाएगा फैट्स की ठीक है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद नहीं होंगे जस्ट फैट्स की डाइजेशन करवाएगा और फैट्स का डाइजेशन में ये इमल्सिफिकेशन करवानी होती है इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होता है कि जो फैट होता है लार्ज फैट उसको जो है वो स्मॉल ग्लोब्यूल में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है ठीक है ब्रेक कर दिया जाता है इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स होते हैं उसका रिजल्ट फ्रॉम फैगोसाइटोसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं सप्लिन लीवर और रेड बोन मैरो में आ, उसको जो है इनगल्फ कर लेते हैं ठीक है फैगोसाइटोसिस क्लीवस द हीमोगलोबन मॉलिक्यूल जब उसको फैगोसाइट्स करने लगेंगे रेड ब्लड सेल्स को तो उसमें जो हीमोगलोबन मॉलिक्यूल होगा वो ब्रेक हो जाएगा जिसकी वजह से आयरन जो है अलग रिलीज़ हो जाएगी और बाकी का मॉलिक्यूल जो है वो पिगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है पिगमेंट्स में कन्वर्ट करने के बाद वो एंटर uh, हो जाएगा सर्कुलेशन में जो ब्लड में हो रही होगी उसमें दीज पिगमेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सर्कुलेशन इन द लीवर ठीक है ये लीवर से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे एंड एक्सक्रीटेड इन बाइल एज और बाइल से भी एक्सक्रीटेड हो जाएंगे ठीक है और इन्हीं बाइल में जब इनको हम कहेंगे तो वो बाइलिन uh, होगा और एंड बाइलेविडिन uh, ठीक है दोनों में डिफरेंस है कि इनके कलर जो होते हैं वो बाइल के डिफरेंट हो जाएंगे एक को रेड कहेंगे और एक को ग्रीन ठीक है एम्सिफिकेशन में फैट्स को जो है वो डिवाइड किया जाता है और इसी फैट्स की डिवीजन की वजह से आयरन जो है वो अलग हो जाएगा और बाकी अलग हो जाएगा फैट्स का मेन फंक्शन ये होता है कि फैट्स की इन्होंने डाइजेशन करवानी होती है ओके और नेक्स्ट बाकी टॉपिक रह गया इनशाला वो कल पढ़ेंगे